देश की तस्वीर बदल गई। जिन कामों को 55 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, उन कामों को माननीय मोदी जी ने 5 वर्षों में कदम उठाया है। गांव, गरीब, महिला, किसान, मजदूर, नौजवान, सबकी चिंता हमारी सरकार ने की है और पहली सरकार है महिलाओं के, जो आधी आबादी महिलाओं, उन महिलाओं के लिए जो गरीब आदमी खेत खलिहानों से जंगलों से लगे चुनकर लाख खाना बनाने का काम करते हैं, पंख तो धुए से समय से पहले आपको आँख खराब रहती है, फेफड़े में अलग तरह बीमारियाँ होती थी। तो हमारी सरकार ने 5 करोड़ लोगों को, गरीब परिवार की महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से ये सुविधा प्रदान की गई जाए। वहीं गरीब आदमी बीमार नहीं पड़े, बीमार पड़ने पर इलाज के लिए पैसे नहीं होते, हमारी सरकार ने आयुष्मान भारत योजना लाई है और बिहार में 1.8 करोड़ लोगों को हम लोगों ने गोल्डन कार्ड बांटा जा रहा है, ताकि गरीब आदमी इलाज कराने के लिए उसको दर-दर भटकना नहीं पड़े, किसी के हाथ फैलाना नहीं पड़े, उसके स्वयं सरकार 5 लाख रुपये तक सुविधा प्रदान करेगी। उसी तरह किसानों के लिए, देश मानदाता किसान, किसानों की आमदनी दोगुनी कैसे करें, किसानों की आमदनी दोगुनी करने को लेकर हमारी सरकार ने पहल की जा करते हैं और हमारी सरकार चाहती है 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी हो और किसानों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत हो, ताकि खेती में किसानों का लागत कम और पहली बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की शुरुआत की गई और देश के सभी किसानों को 6,000 रुपये महीना, 6,000 सालाना तो देने जा रहे हैं, ताकि बीज खाद खरीदने के लिए जब किसान खेती करने जाते हैं पैसे का अभाव होता है और बाजार से महंगे इंटरेस्ट पर कर लेने का काम करते हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी, अपना देना नहीं पड़ेगा। हमारी सरकार प्रति वर्ष किसान भाइयों को चुनाव हो चुका है, 8 चुनाव चल रहे हैं, 19 संपन्न हो गए, अब 32 से 32 में देख रहा हूँ क्लीन स्वीप हो जाता है, कहीं कोई वोट नहीं जाता। अब 8 जो अंतिम हो रहा है, अगर बिहार के लोग समझ गए हैं, अगर अपना वोट बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, अगर जनता काफ़ी NDO को समर्थन मिल रहा है और जनता ऊपर देख रही है, अगर जनता कर रही है माननीय मोदी जी को लाना है और विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, न कोई कार्यक्रम है, न कोई नीयत है, न कोई नीति है, न कोई सिद्धांत जा करके है। विपक्ष कई भागों में बटा हुआ जाता है, कोई बुधवार उनका नहीं जाकर आज तक सामने आया जाकर। कई बार लोगों ने पूछा पत्रकारों ने, भाई बताइए आपका कौन उम्मीदवार होगा जाकर, तो हमारे उम्मीदवार तो घोषित थे माननीय नरेंद्र मोदी अगले प्रधानमंत्री भारत को, उन्होंने हम लोगों ने ऐलान कर दिया और बनने जा रहे हैं जाकर। इसे साफ दिखता है कि महागठबंधन जो है ये स्वार्थ गठबंधन जाकर, जहाँ इनका स्वार्थ सधा तो गठबंधन की बात करते हैं और बाकी दिख रहा है गठबंधन बिहार में बिखर चुका है, देश के पैमाने पर बिखर चुका है। उत्तर प्रदेश में देखिए कांग्रेस, सपा, बसपा तमाम पार्टियां हैं, ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस, तो सारे के सारे लोग पूरी तरह से मतलब फेल कर चुके हैं जा करके, कहीं देश में अब महागठबंधन रहा नहीं जा करके। अब है तो नरेंद्र भाई मोदी है जाकर के, उनकी सरकार बनने जा रही है, विपक्ष हताशा में निराशा में और इस तरह की बातें कर रही करती है और मैं समझता हूँ कि गठबंधन इनका जो था पूरी तरह से फेल कर गया है। थैंक यू सर।